In this module, we will discuss different types of non genetic variations. Basically, we divide the variation into two categories genetic variations and non genetic variations. So, there are different types of non genetic variations which include individual variation in time, social variations, ecological variations, traumatic variations, and postmodern variations. Now, we will discuss these. वेरिएशन वन बाई वन तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिवीजुअल वेरिएशन इन टाइम इंडिवीजुअल वेरिएशन इन टाइम कैन बी फर्दर डिडेड इंटू डिट टाइप्स लाइक एज वेरिएशन सीजनल वेरिएशन ऑफ इंडिविजुअल सीजनल वेरिएशन ऑफ जनरेशन तो फर्स्ट ऑफ ऑल वट इज एज वेरिएशन अगर हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर उनकी डिफरेंट लाइफ स्टेजस की बात करें तो एक ऑर्गेनिज उसकी लाइफ के अंदर मुख्तलिफ़ फॉर्म्स हो सकती हैं जो कि एक दूसरे से वाज़े तौर पर डिफरेंट होती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे ऑर्गेजम ऐसे होते हैं जिनके अंदर इमिच्योर लार्वल फॉर्म होती हैं और ये इमिच्योर लार्वल फॉर्म अडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं उसकी बेस के ऊपर बहुत सारे जो टेक्सोनिस्ट हैं जब उनके पास डिटेल इंफॉर्मेशन मौजूद ना हो लाइफ साइकिल के मुतालिक तो वो इन डिफरेंट स्टेजेस को डिफरेंट स्पीशीज का नाम दे सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम ईल एंग्युला एंग्युला इसके बारे में बात करें जो कि फिश है इसकी जो लार्वल फॉर्म थी उसको जो कि लैप्टोसिफेलस ब्रीवी रोस्ट्रस है 1856 के अंदर इसको एक सेपरेट स्पीशीज कंसीडर किया जाता था लेकिन बाद में यह पता चला कि यह एक सेपरेट स्पीशीज नहीं है बल्कि ये एक लार्वल फॉर्म है तो ऐसा क्यों हुआ क्योंकि जो टेक्सोनिस्ट था उसके पास डिटेल इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं थी इसके लाइफ साइकिल के मुतालिक और इनकी जो अर्ली स्टेज और अडल्ट स्टेज थी वो टोटली एक दूसरे से डिफरेंट थी जिसकी बेस के ऊपर इनको डिफरेंट स्पीशीज के अंदर रखा गया इसी तरीके से अगर हम बटरफ्लाई की अर्ली स्टेजेस उसके कैटरपिलर और उसके अडल्ट को कंपेयर करें तो दोनों के अंदर वाजे डिफरेंस मौजूद होता है इस डिफरेंस की वजह से इनको डिफरेंट स्पीशीज के अंदर कंसिडर किया जा सकता है अगर जो एक्सोनोमिस्ट है उसके पास डिटेल इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है तो इस किस्म की जो वेरिएशंस होती हैं ये एज वेरिएशंस कहलाती हैं इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं उनके अंदर मुख्तलिफ सीजन्स के अंदर वेरिएशन होती हैं फॉर एग्जाम्पल समर के अंदर उनका कलर पैटर्न और हो सकता है विंटर के अंदर उनका कलर पैटर्न और है फॉर एग्जाम्पल अगर हम आर्टिक और सब आर्टिक बर्ड्स की बात करें तो इन बर्ड्स के अंदर विंटर के अंदर इनका जो कलर है इनका प्लीमेज का जो कलर है उसके अंदर वाज तौर पर वाइट कलर मौजूद होता है लेकिन अगर इनको हम समर के अंदर देखें तो समर के अंदर इनका जो नॉर्मल नौ, कलर पैटर्न है वो हमें नजर आता है एग्जाम्पल के तौर पर, पर नजर आ रहे होते हैं लेकिन इसी बर्ड को जब विंटर के अंदर देखा जाए तो विंटर के अंदर इसके ऊपर वाइट प्लूमेज मौजूद होता है तो ये सीजनल वेरिएशन की एक एग्जाम्पल है